इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम इस तरीके से नेटवर्क को यहाँ पर अगर इसको जो है सर्चिंग पर लगाते हैं तो आपको यहाँ पर जो है इस तरीके से लिखा हुआ आता है, चूज नेटवर्क मैनुअली, कांट सर्च मोबाइल नेटवर्क, तो इस ऐसा लिखा हुआ आता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, ये हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो है अभी हम मैनुअली जो है ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, मैनुअली करना पड़ेगा। क्या मैनुअली भी पॉसिबल है अगर ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है? तो ये मैं आपको बोलना चाहूँगा, नहीं। अगर ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है तो मैनुअली भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑटोमेटिकली में तो कोई ना कोई से कनेक्ट हो जाता है, मैनुअली में पता करना पड़ता है। बट ये इशू जब होता है जब हमारा सिम ही एक्टिवेट नहीं होता है। अभी आप हमारा देख सकते हैं कि एक सिम बंद है और दूसरा एक्टिवेट है, तो दूसरे सिम में हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ, हमारा दूसरा जो है एक्टिवेटेड है, हम मोबाइल नेटवर्क हम यूज़ करते हैं इसको, तो यहाँ पर ये बंद हो जाए मतलब ऑफ हो जाएगा इंटरनेट और ये चल जाएगा। अब ये होता है क्यों है, देखिए अगर आप रिचार्ज वगैरह नहीं करवाते हैं रेगुलरली तो आपका सिम बंद हो जाता है, या फिर सिम गलती से उल्टा लग गया हो, या मतलब के बंद हो गया हो फिलहाल के लिए, तो उसे आपको दोबारा से इसको टर्न ऑफ करके इसको स्टार्ट करना है जिससे कि ये दोबारा चल जाए। आप फ़ोन को बंद करके खोल लेना है और आपका जो है मैनुअली ये शो हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ये माना भी नहीं कर रहा है और स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, बट स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर जो है आप अपने इस पर जाइए कनेक्शन एंड शेयरिंग में, और रीसेट पर जाइए और रीसेट ऐप प्रेफरेंसेस पर क्लिक करके इसको जो है इंटरनेट को, मोबाइल डेटा को और वाईफाई को रीसेट मार लीजिए। इससे आपका जो है सिम भी वापसी चल सकता है। तो ये प्रोसेस रहता है बस इसका छोटा सा। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।